नमस्कार दोस्तों, आज हम इस हथेली पर एक आंशिक विश्लेषण करने जा रहे हैं और विश्लेषण करेंगे उंगलियों के आधार पर जातक के स्वभाव का निर्धारण। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फिंगर सेटिंग से। ये फिंगर सेटिंग बहुत ही खूबसूरत एक मेहराब बना रही है जो पक्का इशारा करती है कि जातक वेल बैलेंस्ड है, ना इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सही समय पर सही निर्णय लेता है, उस पर मेहनत करता है और काम को सफल करके दिखाता है। तो फिंगर सेटिंग लाजवाब। अब आइए इंडेक्स फिंगर पर। ये इंडेक्स फिंगर थोड़ी झुकी हुई है सैटर्न की तरफ। जब ये झुकती है तो जातक को ओवर रिलीजियस बनाती है। जातक कभी कभी धार्मिकता के क्षेत्र में अंधविश्वास के करीब पहुंच जाता है। जब ये उंगली मुड़ती है तो जातक को सेल्फ सेंटर्ड भी बनाती है, आत्म केंद्रित। ऐसा जातक अपना इवेल्युएशन शुरू करता है, बहुत लो महसूस करता है। उसकी सारी डिग्निटी, उसका सारा कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। वह हताश, निराश, दुखी और बहुत अकेला महसूस करता है। सिंपल, जब आपकी इंडेक्स फिंगर सैटर्न की तरफ मुड़े तो पक्का जान लो कि ऐसे जातक को लगातार एनकरेजमेंट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। ये उंगली इंडेक्स फिंगर सैटर्न उंगली के टॉप फ्लैंज के मिड तक पहुंच रही है, तो ऐसा जातक जिम्मेदारियों से नहीं घबराता, जिम्मेदारियों से प्लान नहीं करता, उल्टा जिम्मेदारियों का वाहन करता है। इस उंगली पर मिड फ्लैंज सबसे अच्छा लंबा। तो जातक को इंटेलिजेंट, प्रैक्टिकल और बहुत ऑप्टिमिस्ट बना रहा है। सभी उंगलियों के जो मिड फ्लैंज है ना, लंबे हैं, जो इशारा करते हैं कि जातक को व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में अद्भुत सफलता मिलेगी। आगे चलिए। सैटर्न फिंगर सबसे लंबी है लेकिन ऊपर से अपोलो की तरफ मुड़ रही है, तो ऐसे जातक पास्ट में कोई ना कोई काम बीच में ही अधूरा छोड़ेंगे, नहीं तो निश्चित तौर पर फ्यूचर में किसी काम को बिना पूरा किए अधूरा ही छोड़ देंगे। ये पक्की निशानी। आगे चलिए। इस उंगली का भी मिड फ्लैंज सबसे लंबा जातक को मनी सेंट्रिक बनाता है। जातक के पास मैन मैनेजमेंट स्किल शानदार होती है। जो भी काम करना चाहता है वो उच्च स्तर पर करना चाहता है, लेकिन अपने काम में उसे किसी बाहरी इंटरफ्रेंस पसंद नहीं होता। आगे चलिए। अपोलो फिंगर इंडेक्स फिंगर से लंबी। जातक को बहुत बोल्ड, करेजियस और एडवेंचरस बनाती है। ऐसा जातक कोई भी रिस्की डिसीजन लेने से पीछे नहीं हटता। इस उंगली का मिड फ्लैंज भी अच्छा, तो जातक की पसंद लाजवाब। जातक बहुत ही ओरिजिनल। जातक के पास एक अच्छी कॉमन सेंस। टॉप फ्रेंच भी अच्छा है जो जातक को आदर्शवादी बनाता है। जातक के पास ऊंचे आदर्श और सुंदर विचार होते हैं
और जब तक के पास कोई ना कोई गॉड गिफ्टेड अद्भुत कला अवश्य होती है। अब देखिए लिटिल फिंगर बिल्कुल सीधी जातक को बहुत ईमानदार बना रही है। ये लिटिल फिंगर अपोलो के टफ लेंज के बेस तक पहुंच के उससे आगे निकल गई है। तो ऐसे जातक के पास में तीव्र बुद्धि होती है, चलाकी भरी बुद्धि, इनोवेटिव बुद्धि, सेल्फ इंटरेस्ट वाली बुद्धि, जो हर परिस्थिति में अपने लाभ की संभावना को ढूंढ लेती है। ऐसे जातक किसी भी क्षेत्र में हो खूब सफलता पाते हैं। तो ये था उंगलियों के आधार पर जातक के स्वभाव का निर्धारण। आशा करता हूँ ये कुछ तथ्य आपका ज्ञान अर्जन अवश्य करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।